तो गाइज अगर आप भी एमएस वर्ड में आइडेंटिटी कार्ड को बनाना सीखना चाहते हैं तो देखिए यहां पर हमने एक आइडेंटिटी कार्ड को बनाया है। इसी तरीके के आइडेंटिटी कार्ड को कैसे आप बनाएंगे इसके लिए हम यहां पर एक नया पेज लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां से हमने एक नया पेज ले लिया है। अब यहां पर इस पेज में तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा नहीं, आइडेंटिटी कार्ड के लिए एक नया पेज और उसका एक अलग साइज होता है। तो इसके लिए आप पेज लेआउट पर आएंगे। पेज लेआउट पर आने के बाद में मार्जिन्स पर आएंगे, उसके बाद में कस्टम मार्जिन्स पर आएंगे और यहां पर टॉप वाले ऑप्शन को 0.2 कर देंगे यहां पर, और लेफ्ट वाले ऑप्शन को 0.2 कर देंगे ये कुछ यहां पर, इस बॉटम के ऑप्शन को 0.2 कर देंगे और इस राइट के ऑप्शन को भी 0.2 कर देंगे। उसके बाद में यहां पर ओके क्लिक कर देंगे और फिर आप आएंगे साइज पर, फिर यहां पर मोर पेपर साइज पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में ये जो आपका विड्थ है इसको यहां पर बढ़ा देना है और इसको 11.5 करना है। तो 11.5 हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हाइट को यहां पर कम करना है और 7.7 कर देना है। तो यहां पर हम हाइट को भी यहां पर कम कर 7.7 कर दिए हैं। उसके बाद में यहां पर ओके कर देते हैं, फिर यहां पर फिक्स का ऑप्शन दिखेगा, फिक्स कर दीजिए, फिर से ओके कर दीजिए यहां पर, और ये कुछ आपका पेज तैयार हो गया। पेज तैयार हो जाने के बाद में अगला काम होगा कि ये जो आपका रूलर है, अगर आपका रूलर यहां पर शो करता है तो अच्छी बात है, नहीं शो करता है तो आप इस व्यू पर जाइएगा और यहां पर आपका रूलर जो दिख रहा है इस पर टिक कर दीजिएगा तो आपका रूलर यहां पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस रूलर को यहां से हटाना होगा, यानी इस रूलर को इस तरफ लाना होगा। तो यहां से आपको इस तरफ लाना है, ये कुछ इस तरीके से यहां पर, ये आपका हो गया। इसको भी इस तरफ लेकर आना है तो यहां पर हम लाएंगे और यहां से इसको इस तरफ ले आए, और यहां वाला भी नीचे करना है, यहां वाला भी ऊपर करना है, तो ये हमारा ऑलरेडी है। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट में और अपने शेप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर इस शेप को यहां से ऐसे खींचना है और एक शेप ऐसे ड्रा कर देना है। ड्रा कर देने के बाद में आपको थोड़ा इस तरफ और लाना है और इसको यहां से थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और फिर यहां से आप कोई कलर ले लीजिए, जैसे इस कलर पर आप एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको यहां पर फिल कलर पर जाना है, फिर ग्रेडियंट पर जाना है। ग्रेडियंट पर जाने के बाद में आपको यहां पर मोर ग्रेडियंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहां पर टू कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और फर्स्ट वाले कलर में आप यहां पर ब्लू यहां से ले लीजिएगा, ब्लू वाले पर टिक कीजिएगा। सेकंड वाले कलर में आपको रेड के साइड में आपको देखने को मिल रहा है ब्राउन, ब्राउन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो कलर है ऊपर का ये बॉर्डर बन गया। उसके बाद में आपको टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करना है और आपको बिहाइंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहां पर आएंगे और अपने कर्जर को लेकर आएंगे। तो यहां पर हम अपने कर्जर को ले आए हैं। कर्जर को यहां पर लाने के बाद में ये जो आपका कर्जर है इसको अगर आप यहां पर ले आते हैं, ये आपका कर्जर यहां पर आ गया। कर्जर को लाने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है, ये व्हाइट हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके साइज को 16 कर देना है। 16 करने के बाद में अब आपको लिखना है सेशन, एस ई डबल एस आई ओ एन, सेशन लिखिए। यहां पर लिखना है 2023 से 2024, ये हमने लिख दिया, देखिए यहां पर लिखा। उसके बाद में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में अगला जो साइज आपको करना है वो करना है 48। तो हम साइज को बढ़ा लेते हैं, यहां पर इसको हम कर देते हैं 48। 48 पर करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर लिखना होगा, यहां पर हम लिख देते हैं जी डी। उसके बाद में हम लिखेंगे स्टडी नहीं लिखेंगे, जैसे आप यहां पर अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखेंगे तो हम लिखते हैं जीडी पब्लिक स्कूल। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं जीडी पब्लिक स्कूल, ये हमने जीडी पब्लिक स्कूल लिख दिया। इतना लिखने के बाद में जैसे आप यहां पर क्या होता है कि एक आपके संस्थान का लोगो होगा अगर आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं लोगो है तो जैसे सरस्वती माँ का फोटो लगा दिया जाता है यहां पर साइड में, तो उसको आपको क्या करना होगा, आपके कंप्यूटर में होना चाहिए तो आप कंप्यूटर में उसको रखिएगा। यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं अपने, जैसे मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर मैं आया और यहां पर मैं अपना लोगो ले लेता हूं, ये हमारा लोगो है। जैसे लोगो पर हम क्लिक कर दिए और इंसर्ट कर दिए,
इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आया है। इसको साइज को हम छोटा करते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसके साइज को छोटा करता हूँ, ये यहाँ से साइज को छोटा करने के बाद में आपको इसको लेकर आना होगा इस तरफ। पहले थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, छोटा किया। फिर उसके बाद में यहां पर ये जो आपका टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर बिहाइंड टेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसको आप यहां से लेकर आएंगे यहां पर कर देंगे। ये हमने यहां पर कर दिया, ये थोड़ा सा भी बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा भी। जैसे मैं इसके साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ये हमने कर दिया और इसको यहाँ पर रख दिया ये कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, अभी ये थोड़ा बड़ा है तो और थोड़ा छोटा किए और इसको ले जाकर हमने यहाँ पर रख दिया। ये हमारा हो गया लोगो। आप यहाँ पर सरस्वती माँ का फोटो भी लगा सकते हैं या आपके चैनल या आपके स्कूल का अगर लोगो है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। इतनी बात हो जाने के बाद में आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां से आप इस बोल्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। बोल्ट पर क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इस तरीके से अगर आपको रखना है तो रखिए, अदरवाइज यहां पर आप आएंगे और यहां से आप थोड़ा इसका फंड भी चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना होगा वो आप कर लीजिएगा। तो यहां से हम कोई कलर ले लेते हैं, किसी भी तरीके का कर देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। तो मैं वही रहने देता हूं, जैसे जो हमारा है उसी को मैं यहां पर रहने देता हूं। इसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, आने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में अब जो आपका साइज है इसको यहां से कम करना होगा। तो साइज को कम करने से पहले इसको यहां से सिलेक्ट कीजिए और इसका कलर थोड़ा हम चेंज करते हैं। कलर हम क्या कर देते हैं, कलर इसका हम कर देते हैं ये वाला जो कलर है येलो कलर कर देते हैं। और अभी ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस कारण से हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा डिजाइनिंग टाइप में लिखेंगे, इस तरीके से हम कर देंगे। ये यहाँ पर हमने कर दिया। अब इंटर करने के बाद में जब आपका कर्जर यहाँ पर आ जाए तो आप इसके साइज को घटाकर यहाँ पर करेंगे 22 पर। आप इसको 22 पर सेलेक्ट कर लेंगे। 22 पर सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना जो भी आपका स्कूल है उसका पता यहाँ पर लिखना है। तो पता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे हम लिखेंगे गोंडा टू नवाबगंज रोड गोंडा। उसके बाद में लिखेंगे उत्तर प्रदेश और अपना पिन कोड यहां पर लिख सकते हैं, जो भी आपका है पिन कोड वो भी आप लिख देंगे। इतनी चीज लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है। एक बार मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां से इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आप यहां पर आएंगे, ये जो आपका चेंज केस का ऑप्शन दिख रहा है ये कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा है, इस पर क्लिक कर यहां पर कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में इसके नीचे रेड लाइन आ रहा है तो इस पर आप क्लिक कर यहां पर आप आएंगे इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से वो भी हट जाएगा। तो ये आपका हो गया, ऊपर वाला भाग जो था वो बन चुका है। अब यहां पर हम कर्जर को लेकर आएंगे, कर्जर को यहां पर हम लेकर आएंगे और यहां पर लाने के बाद में हम क्या करते हैं, हम आएंगे अपने इंसर्ट टैब में और यहां पर आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए। नीचे यहां पर ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर टेक्स्ट बॉक्स को यहां पर इंटर करना होगा। तो यहां से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को कुछ इस तरीके से इंटर कर देता हूं, ये यहां पर इतना हमने कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इंसर्ट में आना है और फिर शेप पर जाना है और फिर यहां इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहां पर क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से फोटो लगाने वाला जो ऑप्शन है उसको यहां से आप ये कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये जो आपका ऑप्शन है इसको थोड़ा इस तरीके से यहां पर कर लेंगे। इतनी बात हो जाने के बाद में इसमें आपको क्या करना है कि ये जो इसकी साइज है इसको यहां पर 26 सिलेक्ट करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को हम यहां पर क्या सिलेक्ट करेंगे, 26। तो हम यहां से 26 सिलेक्ट कर लेते हैं।
26 सिलेक्ट करने के बाद में अब यहां पर लिखना है आइडेंटिटी कार्ड, तो यहां पर लिखते हैं आई डी ई एन टी आई टी वाई आइडेंटिटी कार्ड, सी ए आर डी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड लिखने के बाद में आपको यहां पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बोल्ट कर देना है, ये कुछ इस तरीके से बोल्ट हो गया। बोल्ट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहां पर आपको आ जाना है ये जो आपका फॉर्मेट है इस पर। फॉर्मेट में आने के बाद में यहां से कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर आता हूं और इसको रेड कर देता हूं, ये रेड हमने कर दिया। और ये जो अभी आइडेंटिटी है ये जो, इस पर हम होम पर आएंगे, होम पर आने के बाद में आइडेंटिटी वाले को बोल्ट कर देंगे, ये हमारा इस तरीके से हो गया। इतना हो जाने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर एडजस्ट हो गया है ये। अब इतनी चीज हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि यहां पर हम थोड़ा सा कर्जर को लाएंगे। कर्जर को यहां पर लाने के बाद में हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट नेम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो यहां पर हम लिखते हैं एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट एन ए एम ई। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद में आपको डॉट 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 लाइन लगा देना है, ये कुछ यहां तक ये आपका लाइन हो गया। इंटर कीजिए, फिर उसके बाद में यहां पर स्पेस दीजिए और यहां से आपको क्या लिखना है, आपको यहां पर लिखना है फादर नेम। तो आप लिखिए एफ ए टी एच ई आर फादर्स और यहां पर लिखेंगे नेम और फिर यहां पर डॉट 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 लगाते चले जाना है, ये कुछ यहां तक ये आपका डॉट डॉट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर इंटर करना है, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर यहां पर आना है। यहां पर आपको लिखना है DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो DOB ये DOB लिखा। उसके बाद में फिर डॉट डॉट लाइन आपको यहां पर आगे तक बढ़ा देना है, ये DOB हो गया। उसके बाद में आपको इंटर करना है, फिर थोड़ा सा स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद में आपको यहां पर लिखना है एड्रेस, तो यहां पर लिखिए ए ए डबल डी आर ई डबल एस। एड्रेस लिखने के बाद में आपको यहां से इसको कुछ इस तरीके से एकदम यहां तक पूरा कर देना है। फिर यहां पर क्या करना है, इसको करने के बाद इंटर करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है यहां तक। स्पेस देने के बाद में डॉट 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 लाइन आपको फिर से यहां पर बढ़ाना है, आधा तक जब डॉट लाइन आ जाए तो यहां पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर लिखना है। तो हम लिखते हैं यहां पर मोबाइल और मोबाइल नंबर आपको कुछ इस तरीके से आगे डॉट कर देना है, ये यहां पर आपका इतना पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। उसके बाद में आप सिंपल से आपको यहां पर इंसर्ट टैब पर आना है, फिर यहां पर सेव्स पर आना है और ये वाला जो भाग दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर लाकर इसको यहां से कुछ इस तरीके से सेव को बना लेना है। सेव को बनाने के बाद में अब क्या करना होगा, थोड़ा इसमें यहां से कोई कलर चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको यहां से लेना हो। तो यहां पर ये वाला कलर कुछ ज्यादा बेटर लग रहा है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और यहां पर शेप आउटलाइन पर आता हूं और यहां पर ब्लैक वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब आप आएंगे इंसर्ट टैब पर और उसके बाद में यहां पर आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पर, नीचे आएंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, तो इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, ऐसे यहां से ड्रा कर देना है, ये कुछ यहां पर। तो हमने ड्रा कर दिया। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले होम टैब पर आना होगा और यहां पर आपको इसके साइज को 22 करना है, ये 22 कर दिया। अब लिखिए यहां पर, यहां पर आप लोग ने पी आर आई एन सी आई पी एल ई प्रिंसिपल सिग्नेचर एस आई जी एन ए टी यू आर ई सिग्नेचर और डॉट 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 आपको लगा देना है, ये कुछ यहां तक। डॉट 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 लगाने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड कर देना है और उसके बाद में आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, शेप फिल पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए नो फिल और शेप आउटलाइन पर आइए, यहां पर भी आप नो आउटलाइन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये यहां पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये जो आपका भाग दिख रहा है इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में आइए, यहां पर आपको क्या करना है, सेप फिल पर एक बार क्लिक करना है और यहां पर लिखना है नो फिल, नो फिल पर आप क्लिक कर देंगे। इतनी बात हो जाने के बाद में आप यहां पर इंसर्ट टैब में आएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहां से कोई जो आपका पिक्चर है उसको यहां से आपको यहां से लेना होगा।
तो यहां पर आप आइए और यहां पर आप अपने माई कंप्यूटर में पहुंचेंगे, यहां से आप कोई भी फोटो जो है वो ले सकते हैं। तो यहां से हम एक फोटो ले लेते हैं, जैसे ये वाला फोटो हमने ले लिया और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा करने पर ये यहां पर पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आते हैं, इस तरफ अभी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको यहां पर लेकर आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके साइज को पहले थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये कुछ यहां पर, और साइज को बढ़ाने के बाद में आप इस क्रॉप पर आएंगे, क्रॉप करते हैं इसको थोड़ा सा, यहां पर हमने कर दिया और इसको यहां से कुछ यहां पर कर दिया। अब अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो उसको लगाइए, अदरवाइज आप इस तरीके के फोटो को भी आप ले सकते हैं और लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने कर दिया, तो ये इतनी बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, ये कुछ यहां पर, और इसको यहां पर एडजस्ट करते हैं, ये कुछ यहां पर। एडजस्ट करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, ये कुछ यहां पर, और इसको थोड़ा सा और इस तरफ लाते हैं, इसको यहां से, ये कुछ यहां पर, और उसके बाद में इसके साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहां पर। अभी देखो यहां पर नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन कम बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले भाग पर क्लिक कर इसको क्रॉप और कर देंगे। तो यहां से हम कुछ इतना क्रॉप कर देते हैं, या थोड़ा सा और रहने देते हैं, यहां तक रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा इस तरफ से भी कट कर देते हैं, ये आपका हो गया, और इसको आसानी से यहां पर अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, तो इस तरीके से आपका ये फोटो भी लग गया। अब नीचे यहां पर जो आपका भाग है, यहां पर आप सिग्नेचर करने के लिए भाग है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट पर आते हैं और शेप पर आते हैं, ये एक लाइन है इस पर क्लिक करते हैं और लाइन को यहां से ड्रा कर देंगे, ये कुछ यहां तक, ये कुछ यहां पर हम लाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, यहां पर ये हमारा लाइन भी आ गया। तो अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया या नहीं कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा आईडी कार्ड जो है इसको हमने बनाना जो है आपको बता दिया। तो